शिमला बिलासपुर NH रोड कराड़ा घाट के पास पहाड़ी दरकने से बंद हुआ। आपातकालीन सेवा के लिए वाया पिपलू घाट संपर्क मार्ग अपनाएं। वहीं विभाग सड़क बहाल करने में जुटा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी शिमला से दिल्ली के लिए वापस रवाना हुए। मशोबरा में प्रियंका वाड्रा के साथ कुछ दिन बिताने के बाद दोनों आज सुबह बाय रोड निकले। चंबा मुख्यालय के ओबड़ी वार्ड में सड़कों का खस्ता हाल। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़कों को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। घनाहट्टी क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरियों व अपराध के मामलों को लेकर ग्राम पंचायत में बाहरी राज्यों से सामान बेचने आने वाले फेरी वालों के खिलाफ सख्ती हो गई है। पंचायत प्रधान ने पहल करते हुए जनता के हित में एक बड़ा निर्णय लिया और पंचायत में बाहरी राज्यों से आने वाले फेरी वालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। राज्य सरकार की सख्ती के बाद सभी प्रशासनिक सचिवों ने विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि विभिन्न योजनाओं के टेंडर लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि फिजूल खर्ची न हो। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश थमते ही गर्मी के साथ उमस बढ़ने लगी है। प्रदेश के सबसे ठंडे क्षेत्र केलांग का अधिकतम पारा शिमला और कल्पा से भी ज्यादा दर्ज किया गया। यहां अब तक के इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा अधिकतम पारा 27.3 हुआ रिकॉर्ड हुआ है। परवाणु शिमला फोरलेन पर कंडाघाट में निर्माणाधीन टनल के दोनों छोर दिसंबर में मिल जाएंगे। इसके बाद टनल में फिनिशिंग शुरू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले होम स्टे होटलों में पानी के मीटर लगेंगे, जबकि भवन मालिकों को ₹100 पानी का बिल आएगा। जिन लोगों ने भवनों का निर्माण किया है और कमरे किराए पर दिए हैं, उनकी जेब ढीली होगी। दिल्ली की आजादपुर फल मंडी में हिमाचल के ग्रेनी स्मिथ सेब ने धूम मचा दी है। कश्मीर से सेब की आमद शुरू होने के बाद जहां इन दिनों सेब के दामों में गिरावट आ रही है, वहीं ग्रेनी स्मिथ को बेहतर दाम मिल रहे हैं। गहरे हरे रंग के सेब को खरीदार हाथों हाथ ले रहे हैं। पर्यटकों को हिमाचल में किन्नौर और लाहौल स्पीति वादियां काफी पसंद आ रही हैं। वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति में बजट होटल 50% एडवांस बुक हो गए हैं। मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयान पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया। बोले, कंगना सोनिया गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर या तो माफी मांगे नहीं तो मानहानि का दावा करेंगे। सांसद कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पलटवार किया। बोले, कंगना के बयान गंभीरता से नहीं लेते। वहीं उन्होंने कहा कि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की सुध लेना भी भूल चुकी है। कराड़ा घाट के पास भूस्खलन के बाद ट्रैफिक डाइवर्ट होने के बाद पिपलू घाट अर्की शाला घाट रोड पर जाम लगा। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र 63 साल पुरानी सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी जल्द मॉडर्न बनेगी। यह कार्य 2 करोड़ की लागत से किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी 28 सितंबर 2024 को अपना 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज जैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जिला हमीरपुर के अमरोह क्षेत्र के सदर थाना अंतर्गत शटरिंग कार्य करते समय एक व्यक्ति की गिरने से मौत हो गई। पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस हादसे में सुरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पालमपुर उपमंडल के अंतर्गत सिद्धपुर गांव में दशहरा महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। दशहरा उत्सव कमेटी के प्रधान रणवीर राणा ने बताया कि इस बार दशहरा उत्सव का मुख्य आकर्षण रावण का 5D पुतला होगा, जो कि बाहरी राज्य से आए हुए कारीगरों द्वारा तैयार किया जाएगा। ऊना में नेहरू युवा केंद्र ने स्वच्छता ही सेवा के तहत रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान विधायक सतपाल सत्ती ने युवाओं के साथ मिलकर साफ सफाई की। जिला सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल की OPD में मरीजों की भीड़ लगी। मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। क्षेत्र में इन दिनों खांसी बुखार जुकाम के मरीजों में वृद्धि हो रही है। भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए तंज कसा। बोले, सुखू सरकार का बस चले तो हवा पर भी लगा टैक्स देगी। बैजनाथ लड़ भड़ोल वाया पंडोल मार्ग पर रथैर में स्थित दुर्गा माता मंदिर में चोर दानपात्र का ताला तोड़कर नकदी चोरी करके ले गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में इसी सत्र से रिमोट सेंसिंग और GIS सेंटर स्थापित किया जाएगा। धर्मपुर में आगामी 28 और 29 अक्टूबर को FPO धर्मपुर द्वारा दीपावली उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार की गई कोदरे की मिठाइयां जैसे लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन और फ्रूट बर्फी प्रमुख आकर्षण होंगी। इस उत्सव में लगभग 3000 किलो मिठाइयां तैयार की जाएंगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। लड़ भड़ोल क्षेत्र की पंचायत खद्दर के चक्राहन गांव तक जाने वाली 800 मीटर लंबी सड़क का हाल 8 साल से जस का तस है। सड़क की हालत खस्ता होने के कारण मरीजों को मुख्य सड़क तक कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ रहा है। चिंतपूर्णी में एक लावारिस स्कूटी को पुलिस ने कब्जे में लिया। पिछले 4-5 दिनों से लावारिस स्कूटी एक दुकान के आगे खड़ी थी। जिला ऊना के बसोली में मस्जिद निर्माण का ग्रामीणों ने जताया विरोध जताया। इस दौरान ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया। 24 सितंबर को मंडी जिला के साइगलू उपमंडल के अंतर्गत आने वाले बीर फीडर में पुरानी बिजली की तारों को बदलने और नए बिजली के पोल लगाने का किया जाएगा। यह जानकारी कार्य सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल साइगलू हुकम चंद ने जानकारी दी।
प्रदेश में 23 और 24 सितंबर को मौसम का हाल अपेक्षाकृत साफ रहने का अनुमान है, जिससे गर्मी बढ़ने की संभावना है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे लोग कुछ असुविधा महसूस कर सकते हैं। यदि आप बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो हल्के कपड़े पहनना और पर्याप्त पानी पीना महत्वपूर्ण होगा। कुल्लू के चौकी में मांगों को लेकर प्रदर्शन पर बैठे ग्रामीणों और मलाणा प्रोजेक्ट प्रबंधन के बीच टकराव बढ़ गया है। मलाणा प्रोजेक्ट प्रबंधन की ओर से लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है। इसके बाद लोगों में और भी रोष है।